नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है सेंट्रल एशिया और यूरोप के मध्य वर्तमान में जो विवाद है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व समुदाय दो ध्रुवों में बढ़ चुका है और तीसरे विश्व युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। इस व्यापक जनधन की हानि के दौरान पिछले 15 दिनों से जो संघर्ष की स्थिति है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह है विश्व मानचित्र में यूरोप के दो महत्वपूर्ण देशों जो कि कॉकेसस कंट्रीज के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य के जो विवादग्रस्त क्षेत्र है, ये देखिए ये तीन देश कॉकेसस कंट्रीज के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है कॉकेसस पर्वत से लगे हुए दो तीन देश। कॉकेसस पर्वत एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला पर्वत है। एशिया और यूरोप के मध्य स्थित कॉकेसस पर्वत से लगे हुए तीन देश कॉकेसस कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये तीनों देश स्वतंत्र हो गए थे और तब से लेकर अब तक ये अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। इसमें पहला देश है जॉर्जिया और दूसरा आर्मेनिया और तीसरा अजरबैजान। अजरबैजान जो कि मुस्लिम बहुल कंट्री है और जबकि आर्मेनिया में पारसी मूल के या ईसाई मूल के लोग अधिकतर रहते हैं। तो वर्तमान में जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है वह है आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर का विवादग्रस्त क्षेत्र है, नागोर्नो करबाख क्षेत्र। तो उस नागोर्नो करबाख क्षेत्र जो कि लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये आपके सामने ये देखिए, ये है आर्मेनिया और ये है अजरबैजान। अजरबैजान मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था। आर्मेनिया ये है, इसके पश्चिम की ओर स्थित है। आर्मेनिया से लगभग 30 मील की दूरी पर यह वो विवादग्रस्त क्षेत्र है जो लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर फैले हुए इस विवादग्रस्त क्षेत्र में लगभग 150,000 आर्मेनियन मूल के लोग रहते हैं जो मूलतः ईसाई है, और जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है और इसके पड़ोसी देश लगभग सभी मुस्लिम बहुल है जो इसका समर्थन करते हैं। अब विवाद की स्थिति क्या है कि ये लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ क्षेत्र है यहां पर आर्मेनियन मूल के लोग रहते हैं जबकि अजरबैजान इसे अपना मानता है। ये देखिए, अच्छा, इसमें ये बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर आर्मेनिया की सेना है, आर्मेनियन गवर्नमेंट ने अपनी सेना यहां पर रखी हुई है, आर्मेनियन गवर्नमेंट फोर्सेज यहां पर काम कर रही है और लगातार इस क्षेत्र पर निगरानी रखती है और अपने लोगों की सेवा के लिए लगातार तत्पर है। अजरबैजान इसकी स्वायत्तता को नहीं मानता और इसे अपना हिस्सा मानता है। आइए चलते हैं इसके इतिहास की ओर। क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी 1904 से लेकर 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वहां पर ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र अलग अलग संगठन बनाए हुए थे, और फिर 1918 में जब सोवियत संघ यानी रूस से ये देश अलग हो गए थे, इनने अपनी स्वायत्तता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब पेरिस की संधि हुई तो उसके बाद ये कॉकेसस पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र पुनः रूस को प्राप्त हो गया और फिर से ये देश रूस के एकाधिकार में आ गई। और रूस ने क्या किया, जो अजरबैजान है पश्चिम में लगा हुआ देश, अजरबैजान को स्वायत्तता प्रदान कर दी, कैस्पियन सागर से लगा हुआ देश था, और जो नागोर्नो कारबाख क्षेत्र है लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वो उसे अजरबैजान के हिस्से में दे दिया, उसे भी स्वायत्त घोषित कर दिया और अजरबैजान का हिस्सा माना गया। और 1921 से लेकर अब तक अजरबैजान उस नागोर्नो कारबाख क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन जब इसे अजरबैजान का हिस्सा माना जा रहा था रूस के द्वारा, उस समय भी यहां पर लगभग 95% जनसंख्या आर्मेनियन मूल के लोगों की थी और उनके हितों की अनदेखी की गई, उन्होंने इसका विरोध किया। और तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध, जिसमें संपूर्ण विश्व समुदाय दो ध्रुवों में बढ़ गया। एक तरफ पूंजीवादी देश सोवियत संघ के समर्थन में खड़े थे, सॉरी अमेरिका के संघ में समर्थन में खड़े थे, और दूसरी ओर समाजवादी देश सोवियत संघ के समर्थन में खड़े थे। जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं था वो अपना गुट बना रहा था, वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, निर्गुट, यानी किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, और भारत भी उसी का हिस्सा था। इसी कड़ी में जब 1988 की बात थी और कोल्ड वॉर अपने समाप्ति की ओर था, तब जाके इस नागोर्नो कारबाख क्षेत्र की बात मैं जहां पर कर रहा था, इस क्षेत्र में ये नागोर्नो कारबाख का क्षेत्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जो ऐसा लग रहा है कि
अजरबैजान के दक्षिण पश्चिम की ओर है और आर्मेनिया की पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में यहाँ की विधानसभा द्वारा एक जनमत संग्रह कराया गया कि वो आर्मेनिया का में मिल जाए, यानी आर्मेनिया में मिलाने के लिए इस क्षेत्र को एक जनमत संग्रह कराया गया, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सका। और इसी दौरान 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया और सोवियत संघ से विघटित होकर लगभग 15 देश बने, जिसमें से 3 देश कॉकेसस कंट्री भी थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र हो गए तो ये नारगोनो कारबाख का क्षेत्र फिर भी आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य विवादग्रस्त क्षेत्र बचा रह गया। अब तक इसमें सोवियत संघ रूस का प्रभाव था, इसलिए सोवियत संघ के प्रभाव में आकर किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद इस क्षेत्र में व्यापक हिंसा देखी गई। और मान के चलिए कि प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी शीत युद्ध के बाद से लेकर 1990 तक लगभग 30,000 से 40,000 लोग इस हिंसा के शिकार हुए। 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये तीनों देश अलग हो गए और इन दो देशों के मध्य विवाद जारी रहा। नागरोनो कारबाख क्षेत्र को लेकर यह विवाद जारी रहा, जिसे अजरबैजान अपना हिस्सा मानता था और आर्मेनिया ने वहां पर अपनी सेना तैनात कर दी। और लगभग 90 से 95% लोग यहां पर आर्मेनियन मूल के हैं। इसी को लेकर वर्तमान में यह विवाद जारी है। क्यों है यह महत्वपूर्ण क्षेत्र, इसका सामरिक महत्व क्या है, तो आइए चलते हैं इसके सामरिक महत्व की ओर। क्योंकि इस सामरिक महत्व की ओर नजर डाली जाए तो रूस, रशिया एक तरफ सोवियत संघ का विघटन और सोवियत संघ से विघटन से निकला हुआ देश रूस, जो फिर से शक्तिशाली बनना चाहता था, और दूसरी तरफ यहां पर तुर्की, जो कि यूरोप और एशिया के मध्य के बीच की कड़ी था और मुस्लिम बहुल कंट्री है, और तीसरी ओर सारे मुस्लिम कंट्री और तेल निर्यातक देशों के संगठन, जो सभी कहीं ना कहीं इन दो देशों में से अजरबैजान का समर्थन करते हैं। सामरिक महत्व की बात की जाए तो रूस अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से संबंध खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अजरबैजान तेल और प्राकृतिक गैस निर्यातक देश भी है, तेल और प्राकृतिक गैस संपन्न उत्पादक संपन्न देश भी है, जबकि आर्मेनिया अपने तेल और गैस की आपूर्ति रूस से करता है और रूस का एक सैनिक अड्डा भी है आर्मेनिया में। इसलिए रूस किसी भी प्रकार से न आर्मेनिया को नाराज करना चाहता है न अजरबैजान। अच्छा, तीसरी तरफ जो अन्य मुस्लिम कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया या इंडोनेशिया, जितने भी, वो अजरबैजान का समर्थन करते हैं, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल भी अजरबैजान के समर्थन में खड़ा है, जबकि भारत के अलावा स्पेन, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस और जर्मनी, ये सब कहीं ना कहीं आर्मेनिया का समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत और आर्मेनिया के जो कूटनीतिक संबंध हैं पिछले कई वर्षों से लगातार जारी हैं और इस दौरान उनमें अत्यधिक मधुर संबंध बढ़े हैं, इसलिए भारत कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आर्मेनिया का समर्थन करता है। इसके अलावा जो अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो पूंजीवादी देशों का संगठन है, कहीं ना कहीं वो आर्मेनिया का समर्थन करता है, जिसको लेकर संपूर्ण विश्व दो समुदाय में बटा हुआ है। जब 1992 के बाद, यानी 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया और उसके 1992 के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य और ज्यादा संघर्ष होने लगा और अत्यधिक हिंसात्मक रूप ले लिया इसने, कई लोग मारे गए, तब जाके सोवियत संघ रूस ने इसमें फिर से मध्यस्थता की। यद्यपि यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, उससे 15 देश निकल चुके थे, जिसमें सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण देश रूस था। रूस ने मध्यस्थता की और अंततः 1994 में एक जनमत संग्रह कराने की बात की गई और यह कहा गया कि इन दोनों के मध्य आपसी समझौता किया जाएगा और एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसके तहत दोनों के मध्य जो विवादग्रस्त क्षेत्र है उस समस्या को समझाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सका, शांति समझौता नहीं हो सका। और इसी कड़ी में वर्ष 2016 में दोनों देश के मध्य फिर से तकरार हुई और इस दौरान कई लोग भी मारे गए और 4 दिन चले इस संघर्ष को 4-day war के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में लगातार 15 दिनों से यह संघर्ष चल रहा है, जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं और तुर्की के समर्थन के परिणाम स्वरूप अजरबैजान यहां पर अपने को मजबूत समझता है। दूसरा, तेल और प्राकृतिक गैस संसाधन संपन्न होने की वजह से, कैस्पियन सागर से लगा हो देश होने की वजह से अजरबैजान का अपना सामरिक महत्व है। अजरबैजान लगभग
इस क्षेत्र की बात की जाए तो 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है प्रतिदिन और संपूर्ण एशिया और यूरोप को तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करा रहा है, जबकि आर्मेनिया अपने तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति यानी पूर्ति सोवियत संघ रूस से करता है। और इसी कड़ी में और देखा जाए तो कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य का जो संपूर्ण क्षेत्र है यानी कॉकेसस पर्वत है, उसकी तलहटी को एक तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र आर्मेनिया ने स्थापित कर दिया है और यहां पर कई तेल और प्राकृतिक गैस लाइनें बिछा दी। और सबसे बड़ी बात कि आर्मेनिया जो कि तुर्की का पड़ोसी है, तुर्की आर्मेनिया का समर्थन नहीं करता, उनके राजनीतिक संबंध बहुत समय से खराब चल रहे हैं, इसलिए तुर्की ने कभी आर्मेनिया का समर्थन नहीं किया। तो अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते, अपने व्यक्तिगत हितों के चलते, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के चलते विश्व के देशों द्वारा फिर से इस मध्य एशिया और यूरोप के मध्य अपने सामरिक हितों को न देखते हुए विश्व समुदाय फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा है और तीसरे विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रहा है, जो कि एक घातक समस्या के रूप में हमारे सामने। सेंट्रल एशिया और यूरोप के मध्य इस प्रकार की समस्या का उत्पन्न होना ये विश्व समुदाय के लिए एक गलत संकेत है। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान और इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य समस्याओं के कारण अनेक व्यापक जनधन की हानि हुई है, आर्थिक और सामरिक हितों की अनदेखी हुई है, अनेक कूटनीतिक संबंधों की अनदेखी की गई, उसी प्रकार यहां पर भी किसी प्रकार के सामरिक संबंध की अनदेखी हुई है। और पिछले 26 सालों से यानी 1994 के बाद जो सोवियत संघ रूस की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था उसकी अनदेखी की जा रही है और व्यापक हिंसा का आह्वान किया जा रहा है। परमाणु बमों को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी प्रकार के घातक हथियारों का प्रयोग किया जा चुका है और इससे यहां की अर्थव्यवस्था और सामरिक जो महत्व है वो घटता जा रहा है और विश्व समुदाय फिर से दो ध्रुवों में बटा हुआ है। और यहां पर विश्व के सभी देशों का हस्तक्षेप इस बात का संकेत करता है कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ जैसे देश, तुर्की जैसे देश अपने व्यापक हितों के मद्देनजर दोनों का समर्थन करते हैं या फिर एक दूसरे के प्रत्यक्ष या प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने खड़े हैं, जिस कारण दोनों के मध्य काफी प्रतिद्वंदता की स्थिति आ सकती है और जिसे तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। इसीलिए विश्व के सभी देशों को एक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच की समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि तृतीय विश्वयुद्ध जैसी संघातक समस्याओं से निपटाया जा सके। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है या नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किसानों की समस्याएं जो वर्तमान में चल रही हैं या कृषि विधेयक जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं या लागू किए जा चुके हैं उसको लेकर जो संपूर्ण देश में विरोध का स्वर दिखाई दे रहा है उसी को लेकर होगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।